भारत ने रूस के साथ वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन से पहले पाकिस्तान के साथ रूस के जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया है। भारत ने रूस से कहा है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश के साथ संयुक्त अभ्यास में समस्याएं और बढ़ेंगी। मॉस्को से भारत के राजदूत पंकज सरन ने रूसी समाचार एजेंसी रिया नोवोस्ती को दिए इंटरव्यू में कहा, हमने रूसी पक्ष को अपने इन विचारों से अवगत करा दिया है कि आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले और राज के नीति के तौर पर इसे अपनाने वाले पाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग एक गलत रुख है और इससे केवल और समस्याएं पैदा होंगी। आपको बता दें कि सरन का बयान आगामी शनिवार को गोवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की द्विपक्षीय बैठक से पहले आया है। पुतिन 14 अक्टूबर को भारत पहुंचेंगे। वो द्विपक्षीय बैठक के अलावा 16 अक्टूबर को ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका यानी ब्रिक्स के सम्मेलन में शामिल होंगे। पाकिस्तान के साथ रूस के संयुक्त सैन्य अभ्यास को लेकर भारत ने उसके साथ नाराजगी जाहिर की है। अपने इंटरव्यू में भारत रूस रिलेशन पर सरन ने कहा कि जहां तक रूस के साथ भारत के संबंधों की बात है तो दोनों देश विशेष रणनीतिक साझेदारी कायम रखते हैं। उन्होंने कहा, हम इसमें कोई बदलाव नहीं देखते। दूसरी तरफ ये सैन्य तकनीक सहयोग के क्षेत्र समेत सभी क्षेत्रों में मजबूती हुई है। ये साझेदारी क्षेत्र और दुनिया में शांति और स्थिरता की सूत्रधार है।